हेलो गाइस, आज मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। अराउंड 6-7 मंथ बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ एंड आज ये पहला ब्लॉग है। इसमें मैं अनबॉक्सिंग करूँगा अपने नए हेलमेट की। ये मैंने सोल का हेलमेट लिया हुआ है, ये है 6S111। ये हेलमेट लिया मैंने, तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। सो ये रेड एंड ब्लैक कलर का है। तो ये हेलमेट ऐसा दिखता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ये बाय किया। ये मैंने शॉप से जाके बाय किया है, ये मुझे 6200 का पड़ा है, तो ठीक है सोल के हिसाब से। ये यूज़र मैनुअल है। तो ये हेलमेट ऐसा दिखता है, इसमें वेंटिलेशन दिया है, काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन है एंड इसकी पैडिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। चिन गार्ड भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा है। वेंटिलेशन काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेशन के वो दिए हुए हैं यहाँ पे ऊपर या आगे, सारे इसमें वेंटिलेशन के दिए हुए हैं। तो ये हो गया एक क्विक अनबॉक्स इस हेलमेट का। इसके अलावा मैंने अपना एक इंटरकॉम लिया हुआ है नया, ये है T20S का, जो मैंने गियरबेस से लिया था। ये मुझे 4000 का पड़ा। इसमें 6 राइडर कनेक्टिंग है, ये भी ऐसा दिखता है। सो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं साथ में। ये इसका यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल है इसका। मैं 6 मोटरसाइकिल 6 राइडर इंटरकॉम 6 राइडर कनेक्ट कर सकते हैं। T20S ये इसका नेम है, ये आपको गियरबेस पे मिल जाएगा आसानी से। सो ये उसमें दो तरीके का माइक दिया हुआ है, एक तो ये हार्ड है एंड ये सॉफ्ट, एक बहुत पतला वायर है जिसे हम कहीं पर भी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा दिया है इन लोगों ने। इसके अलावा सो ये इसको अटैच करने के लिए दिया हुआ है अटैचमेंट, उसके ये हेलमेट के साथ लगेगा। उसके बाद ये अटैचमेंट दिया है एंड इन ख्याल से इन जो है ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कुछ है स्पीकर इसके, सो अभी इसका व्यू करेंगे, इसको फिट करेंगे हेलमेट। सो उससे पहले मैं अपना हेलमेट का सेटअप रेडी करता हूँ। सो इनको सब अंदर रख देते हैं वापस। ठंडा बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ये मैंने गियरबेस से ऑर्डर किया था, ये 3900 का पड़ा मुझे एंड इसमें कोई कस्टम चार्ज नहीं था। ये बहुत सही, इसमें ये चीज़ बहुत सही थी, इसमें कोई कस्टम नहीं पड़ा मुझे। अब हेलमेट का सेटअप रेडी करते हैं कैमरा अटैच करने के लिए। पहले मेरे को अपनी हेलमेट सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, MC। तो MC चाहिए, तो उससे मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले इससे पेन से निशान लगा लेते हैं कैसे करना है। सो ये हो गया है। Thank you.
तो ये मैंने एमसी वगैरह लगा के यहाँ पे चेक कर दिया इस तरीके से, तो उसको अब सूखने देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है।